नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र महतो अपने YouTube चैनल महेंद्र महतो ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश और स्वस्थ होंगे। मैं अपने खेत में हूं और खेत के चारों ओर हरियाली है। खेत में भी बहुत बड़े बड़े घास उग आए हैं। सुबह का समय और ये हरियाली देखकर मन पूरा खुश हो जाता है। खेत में तो बहुत बड़े बड़े घास है। घास क्या है, घासों का जंगल ही है। यहाँ हम जुताई के लिए आए हैं, तो हम छोटे किसान हैं और जुताई के लिए पावर वीडर का प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पावर वीडर। दोस्तों, ये 980 वाल्सन कंपनी का पावर वीडर है जो कि ठीक चल रहा है इतने घासों में भी, और घासों को मिट्टी में मिलाते हुए बढ़ रहा है। खेत की पहली जुताई कर रहे हैं और ये अच्छा चल रहा है। हल्की बारिश हो रही है। देखिए इतने बड़े बड़े घास है और ये इधर पूरा आसानी से चल रहा है। चलाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा। दोस्तों, लगभग आधे खेत की जुताई हो चुकी है। ये देखिए इतने बड़े बड़े घास है, तो वीडर मिट्टी में मिला रहा है। दोस्तों, पूरे खेत की एक बार जुताई हो गई है। देखिए घास मिट्टी में मिल गया है और देखिए पूरी अच्छी तरह से घास मिट्टी से अलग हो गया है और मिट्टी में मिल भी गया है। पहली जुताई में देखिए कितना गहरा हुआ है। अब दूसरी जुताई के लिए चलते हैं। दो बार इस खेत को जोतना है, उसके बाद फिर दिखाते हैं कितना गहरा हुआ है।
दोस्तों हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, जिससे थकान वगैरह का पता नहीं चल रहा है। पावर वीडर आराम से चला रहे हैं, धूप भी उगा हुआ नहीं है। तो ये देखिए पूरा मिट्टी करते हुए फीडर आगे बढ़ रहा है, मिट्टी बनाते हुए और घास को मिलाते हुए। पूरा मिट्टी को हल्का करते हुए गहराई तक जुताई कर रहा है। पूरी गहराई तक देखिए मशीन जा रहा है। और ये देखिए यहाँ सांप निकल आया है, दो तीन सांप निकल आए हैं। दोस्तों खेतों में अक्सर ये निकलते रहते हैं, लेकिन ये करते कुछ नहीं है, बहुत सीधे साधे होते हैं। कभी कभी गलती से, या तो किसान की गलती, आदमी की गलती, या उनकी गलती से कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं। और ये देखिए लड़का पहली बार पावर वीडर प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक चला रहा है थोड़ा। दिक्कत हो रहा है उसको, लेकिन ठीक ठाक चला रहा है वो। खेत अभी जुटा गया है पूरा। अभी हम फर्स्ट टाइम ड्राइव किए हैं ये ट्रैक्टर। ये मेरा चाचू है, मेरा सिखाए जुताई करने के लिए। दोस्तों दूसरी जुताई में मिट्टी पूरा भूरभूरा हो चुका है, घास भी मिट्टी में मिल गया है। और ये गहराई देखिए, लगभग बड़े ट्रैक्टर जितना गहराई में जुताई करते हैं उतना गहरा हो चुका है। खेती के लिए इतना गहरा जुताई पर्याप्त है। दोस्तों अगर आप किसान हैं, या खेती किसानी से जुड़े हैं, या किसान को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जोहार झारखंड।